Hey guys, this is me, Mayush Afonso, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. So today's video is all about how to move on. Yes, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बोलूंगी कि आप easily किसी भी ब्रेकअप से, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो आपके ब्रेकअप से, और अगर आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है तो आप इजीली कैसे मूव ऑन करोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी. सो ऑल द न्यू कमर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज, एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो पहले मैं बात आप लोगों को बोल दूं कि रिसेंटली ना मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, ठीक है. तो मुझे भी ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, दिक्कत होती थी मूव ऑन होने में, ठीक है. तो मैं क्या करती थी, मैं ना यूट्यूब वीडियोस पे, फिर गूगल पे, इंस्टा पे जो कोट्स वगैरह आते ना, रील्स वगैरह, उन पे देखती थी. वहाँ पर हमको क्या बोलता था, द इंटरनेट टेल्स अस दैट टू मूव ऑन यू शुडंट ब्लॉक हर और हिम. ओके, उस बंदी या बंदी को आपको ब्लॉक नहीं करना है. मूव ऑन अगर आपको होना है तो ब्लॉक मत करो उसको, ऐसे के वैसे ही रहने दो, ओपन रख लो और उसको दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा खुश हो. हैप्पी हैप्पी स्टेटस लगा लो, हैप्पी हैप्पी स्टोरीज लगा लो, हैप्पी हैप्पी पोस्ट कर लो, हैप्पी हैप्पी रील्स बना लो, ऐसे रहो कि खुश 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 हो आप, ऐसे दिखा लो, ठीक है. यार ये वाला जो ट्रिक है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, बिकॉज यार आपको क्यों किसी को दिखाना है कि आप खुश हो. हियर यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, यू आर लुकिंग बिहाइंड, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, और आप अपना जो प्रेजेंट है ना वो आप वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में सोच के. आप जब अंदर से खुश नहीं हो ना तो आप बाहर से खुश कभी भी ऐसे दिखा के कोई फायदा नहीं है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक स्टोरी बोली, कुछ भी रील वगैरह कुछ भी डाल दिया कि आप बहुत खुश है कर रहे हो, ठीक है, आपका जो पार्टनर है उसको दिखाने के लिए कि सी तुम्हारे बगैर बिना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ. और इमेजिन अगर उसने आपका वो स्टोरी रील या कुछ भी पोस्ट देखा ही ना हो तो क्या फायदा, आप लगा रहे हो तो उसके लिए ना, लेकिन अगर उसने देखा ही नहीं तो क्या फायदा. इसके लिए मैं बोल रही हूँ, जब तक आप अंदर से खुश ना हो ना, बाहर से आप खुश कभी भी नहीं हो पाओगे, और आप कितनी भी दिखावा कर लो कि मैं खुश हूँ, नहीं रह पाऊंगी यार. सो यू हैव टू ब्लॉक दैट पर्सन. उसको यार हमें ये नहीं दिखाना है, हमें ये नहीं दिखाना है कि हम बाहर से खुश हैं अंदर से दुखी हो, या हमें ये नहीं दिखाना है. लेट हिम डू वॉट ही वॉन्ट टू डू, लेट हर डू वॉट शी वॉन्ट्स टू डू, यू मूव ऑन, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. ओके, तुम अपने करियर पे ध्यान दो, तुम अपने स्टडीज पे ध्यान दो, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो. स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर. ऐसी चीज करो जो आपको खुश करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे वीडियोस बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती हूँ वीडियोस बना के, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ. देन शायद तुम में से कुछ लोगों को स्टडी करना पसंद होगा, रीडिंग वीडिंग, तो आप लोग वो कर सकते हो. शायद थोड़े लोगों को घूमना पसंद होगा तो आप घूम सकते हो जाके. सो आप जो कुछ भी चीज़ आपको खुश करती है वो करो, आप उनके बारे में सोच के आप एक स्टेप रॉन्ग स्टेप्स मत लेना, ठीक है. लेट हिम और लेट हर जस्ट मूव ऑन एंड यू मूव ऑन, मेरे वीडियोज देख के यू मूव ऑन. ओके, सो या. और ना हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रेकअप होने के बाद ना हम लोग सैड सॉन्ग्स, सैड गाना, ओके, वो सुनते हैं, तो वो अनदर हेडेक होता है. आप लोग को सैड सॉन्ग, सैड गाना नहीं सुनना है. यू हैव टू बी हैप्पी. ओके, आपको खुश खुश गाने सुनना होगा. ये सैड सॉन्ग्स सुन के पता है क्या होगा, सैड सॉन्ग सुन के तो आपको और भी उसकी याद आने लगेगी, आप और भी डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप और भी उदास हो जाओगे, और भी सैड हो जाओगे वो सैड गाने को सुन के, बिकॉज द लिरिक्स माइट रिलेट टू योर. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस यू मूव ऑन, सैड गाने मत सुनो यार, वो दिमाग को ना और भी ये पागल बनाता है, अंदर से बहुत दुख होता है वो सैड सॉन्ग सुन के, फिर आप भी रोती हो तो अच्छा नहीं लगता है ना. अगर रोना है रो, मैं नहीं बोल रही कि मत रोना, ठीक है, रोना इज वेरी गुड, क्राइंग इज वेरी गुड. आप जब रोगे ना सब कुछ आपसे, आपके अंदर से बाहर जाएगा ना, ऑल योर फीलिंग्स, ये सब आंसू वगैरह, बहुत रो लो, एक दो चार पांच दिन के लिए बहुत रो लो. तो रोने के बाद ना डोंट लिसन टू एनी मोर सैड सॉन्ग्स, जस्ट मूव ऑन. हैप्पी हैप्पी गाना सुन लो, ठीक है, ऐसे सुन लो. ऐसे सैड सॉन्ग सुन के मुझे नहीं लगता कुछ फर्क आएगा या कुछ फर्क हो जाएगा. सो हाँ, एंड स्टार्ट बहुत लोग क्या करते हैं ब्रेकअप के बाद ना, ऐसे कुछ खाते पीते नहीं है, खुद को पनिशमेंट देते हैं. यार ऐसे नहीं करना है यार, एक ही लाइफ है, कर लो जो करना है, कर लो अपने आप को खुश है. ऐसे हाथ वाथ कट करके कुछ फायदा नहीं है यार, वो तो वापस आएगा नहीं. अगर वापस आ भी गया ना तो लात मार के वापस भेज दो, छोड़ के गया है क्यों तुमको, लात मार के भेज दो वापस,
ठीक है, याद रखना, इफ एनीबडी लव्स यू ही विल नेवर लीव यू एंड गो, ही विल एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। और अगर सच में कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, तो ऐसे बैठ के ना एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को छोड़ के जाना चाहिए। तो आप इतना अपने करियर पे फोकस करना ना कि वो जो अगला बंदा या बंदी होगा ना, वो खुद एक दिन ना दोबारा मुड़ के तुम्हें देखेगा एंड देन ही इज गोइंग टू सी हुम ही लॉस्ट। ठीक है, उसको वो रिग्रेट होना चाहिए, यार मैंने किसको छोड़ दिया। गॉट इट? ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मैं बोलती हूँ, सैड गाने मत सुनो, अपने करियर पे फोकस करो, जो चीज़ आपको खुश करती है वो करो, दूसरे लोगों के बारे में मत सोचना। ये मत देख लेना कि यार मेरी दोस्त रिलेशनशिप में कितनी हैप्पी है, वो लोग आपको उनके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम होती है वो लोग आप लोग को वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो लोग दिखाएंगे वो लोग खुश है। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत झगड़े वगड़े करते हैं, बहुत कुछ चलता है उन दोनों के बीच, लेकिन ना कुछ बोलते नहीं दूसरों को, बहुत झगड़े करते हैं तो ऐसे कुछ बोलते नहीं है। सो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स, मेनी पीपल डोंट ओपन अप लाइक हाउ यू डू। और उसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करना इज ओनली गुड, आई एम टेलिंग यू। ब्लॉक कर, वो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू टू ब्लॉक दैट पर्सन। नहीं करना है तो भी चलेगा यार, मत करो। बट या मैंने तो क्या किया था, मैंने मेरे ब्रेकअप के टाइम पे, ठीक है मेरा ब्रेकअप हुआ था तभी, इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मूव ऑन एंड ऑल। ठीक है, मैंने कभी भी ना किसी को दिखाया नहीं दैट आई वॉज सैड एंड अपसेट एंड ऑल। मैं तो मेरा 24 घंटे में ऐसी हूँ कि मैं सीरियस ही रहती हूँ, अनटिल एंड अनलेस समथिंग इज रियली वेरी फनी, समथिंग रियली यू नो टिकल्स मी, आई वॉन्ट रिएक्ट। मैं बहुत ही चेंज हो गई हूँ, मैं बचपन से लाइक हाउ आई वॉज अर्लियर ना, आई एम नॉट लाइक दैट नाउ। मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, नाउ आई एम इवन मोर सीरियस ऑल द टाइम, आई थिंक 24 hours। तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है यार ये क्यों उदास है, क्योंकि मैं दिन भर उदास ऐसे नहीं, बट आई एम सीरियस, तो ऐसे रहती हूँ मैं दिन भर। तो इसकी वजह से हाँ, सो आई वुड बी यू नो वेरी सीरियस, वेरी डिप्रेस्ड नॉल। फिर मैं 2-3 दिन के लिए सैड गाना सुनती थी, एक बार रोना धोना हो गया एंड देन चल निकल बेंच शोथ। अपना ना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, डोंट गो बैक टू दैट पर्सन। यार एक और गलती ना बहुत इस जनरेशन के लोग करते हैं, दे गो एंड टेक्स्ट कॉल दैट पर्सन, अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं यार कॉल करो, ये करो वो करो। मत करो यार, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। क्या इतनी बेशर्म हो गए, तो कोई और दूसरा मिल रहा नहीं तुमको? वेट ना, मे बी द फ्यूचर इज होल्डिंग समथिंग बेटर फॉर यू, यू नेवर नो व्हाट इज देयर फॉर यू इन द फ्यूचर। दैट्स व्हाई ना अपने करियर पे ध्यान दो, अपना फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना प्रेजेंट को एंजॉय करो। डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन, जो चला गया वो चला जाएगा, जिंदगी ऐसी है। लाइफ इज लेबोरियस, लाइफ इज ऑल अबाउट पीपल कम एंड गो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है वो जाएगा। आप उनके पीछे मत जाओ, आप उनकी जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप उनके पीछे भागने के लिए, वो लोग अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी का देख लो। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय, आई सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल। बिकॉज ये ब्रेकअप वीडियो था ना, इसके लिए बहुत सारे किसेस दे रही हूँ मैं तुम लोग को, बहुत लोग थोड़े बहुत अपसेट होंगे ना इसके लिए, डोंट बी अपसेट, टाइम देना।